गोवा बहुत ही खूबसूरत है। हम अभी पंजिम में हैं, पंजिम से हम ओल्ड गोवा चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ लाइन से इस पे एक साइड आप देख रहे हैं सिटी है, दूसरे साइड ओशन वाटर है। लाइन से बोट्स लगे हैं, बोट्स पे फन एक्टिविटीज होती है, लाइक दे टेक चार्ज यू अराउंड 1500 to 2000 रुपीज पर हेड, और इसमें आपको बोट राइड देते हैं, उस पे खाना खिलाना, डांस कराना, जो कि हर नॉर्मल रिवर पे भी होता है किसी भी सिटी में। अगर वहाँ बड़ा रिवर है तो उस तरह सेम यहाँ भी होता है। अगर आपके शहर में कोई ऑलरेडी नदी है, लाइक मैं पटना से हूँ, वहाँ पर गंगा नदी, वहाँ भी सेम ही चीज़ होता है। मुझे लगा कि सेम चीज़ करने कोई फायदा नहीं है जो ऑलरेडी हम अपने शहर में कर सकते और इससे आधे दाम पे। यहाँ पे कसिनोज थे, कसिनोज पे जा सकते हो अगर आपको खेलना आता है, तो मुझे नहीं आता तो मैं गया नहीं। और इस रोड से हम लोग सीधे बढ़ चले हैं ओल्ड गोवा चर्च की तरफ। वहां से काफी दूर था, लगभग 10-15 किलोमीटर था। चलते चलते हम बिल्कुल एक सुनसान सी जगह पे बिल्कुल ये गोवा चर्च हमें दिखा। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही बड़ा था। ये एक साइड दूसरा म्यूजियम था, जो वाइट वाइट बिल्डिंग आपको दिखा वो म्यूजियम है बेसिकली इसी चर्च का, और दूसरे साइड ये गोवा का चर्च है। ये एक चर्च है और दिस इज द वन, इट्स सो ब्यूटीफुल। सेंट फ्रांसिस को जेवियरो इंडिया समथिंग लुक्स लाइक दिस इज काफी इतना बड़ा एरिया में नहीं, कितना ब्यूटीफुल है। अच्छा लाइट जल जाता है इसमें और रात में दिस इज वाओ ब्यूटीफुल। चलो अंदर, लेट्स गो। सब कुछ दिखा उससे चलते हैं। चलो आगे से हम लोग इधर घुस गए ना, उधर चलते हैं, इधर से निकल जाएंगे क्या? ऊपर घर है पादरी का, प्रीस्ट रहते हैं। क्या Without getting nothing, only time.
इसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भी कहते हैं और काफ़ी खूबसूरत था ये। ये मुझे पता चला कि ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अंदर जो प्रीस्ट थे सेंट फ्रांसिस जेवियर, उनका मोर्टल रिमेंस रखा गया है। हमें साइलेंस बना के रहने के लिए बोला गया, जिसके लिए प्रेइंग एरिया है। और यहाँ पे ऊपर में इनका डेड बॉडी रखा गया है, ये आप देख सकते हो। बेसिकली अगर आप मैं सच बताऊँ तो मैं इसके अंदर जब जा रहा था, इसके अंदर मैं घूम रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई इंग्लिश मूवी का वो सेट होता है ना, हॉलीवुड मूवी के जो सेट होता है जिसमें भूत वाली मूवीज दिखाते हैं, बिल्कुल वैसा लग रहा था। और तो बहुत खूबसूरत था, बहुत ही शांत इलाके में था, बिल्कुल अलग, इसके आसपास बिल्कुल शांत इलाका था। चर्च दीवारें, यीशु क्राइस्ट।